हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को नमस्ते। तो मैं आज बनाऊंगी आटे से गुड़ वाली ठेकुआ। तो देखिए, यहाँ पर मैं गेहूँ के आटे 1 किलो ले ली हूँ। यहाँ देखिए, मोइन के लिए मैं आधी कटोरी देसी घी ले ली हूँ। ये देखिए, 1 चम्मच मैं सौंफ ले ली हूँ। यहाँ 4 इलायची को मैं कूट ली हूँ। ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ सिर्फ सूखा नारियल ली हूँ, इसे मैं बारीक काट ली हूँ। यहाँ देखिए, 250 ग्राम में गुड़ ले ली हूँ, इसे मैं गर्म पानी में घोल लूँगी। फिर चलिए मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। यहाँ देखिए, गुड़ को मैं घोल ली हूँ। अब इसे मैं छन्नी से छान ले रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको छान ली हूँ। चलिए अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। पहले मैं इसमें ये देसी घी डाल दे रही हूँ आटा में। ये सौंफ डाल दे रही हूँ। ये इलायची डाल दे रही हूँ। इसे मैं अब अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। इस तरह से दोनों हाथों के सहायता से इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेनी है। इस तरह से करके इस तरह से आप मुट्ठी बांध करके इसे देखिएगा तो समझिए कि मोम अच्छी तरह से इसमें मिल गई है और इसमें अब मोम की जरूरत नहीं है। मैं इसमें ये कटी हुई नारियल डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े करके इसमें गुड़ के पानी डाल के और इसको धीरे धीरे अच्छी तरह से मैं मिलाऊंगी। इसे आटे की ही तरह डो बनानी है, लेकिन आटे से थोड़ी सी इसका टाइट डो बनानी है। इस तरह बनाने से ठेकुआ बहुत मुलायम और सॉफ्ट बनती है। ये देखिए, इसी तरह से इसे मिलानी है। अब मैं इसका डो बना करके दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सख्त डो बनता है इसी तरह। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख दे रही हूँ। ये देखिए, आधे घंटे हो गई है। अब मैं फिर से इसे इस तरह से थोड़ी सी मिला ले रही हूँ। देखिए, थोड़ी सी घी में ले ली हूँ और इस सांचे पर मैं इस तरह से लगा दूंगी। इस तरह से लगा दूंगी। अब मैं इस आटे का छोटा छोटा लोई लेकर के इस तरह से थोड़ी सी लंबा शेप दे करके मैं इसको इस तरह बना लूंगी और सांचे पर मैं इसको इस तरह से करके मैं इसको हाथ से उंगली के सहायता से मैं इसको इस तरह से कर लूंगी। ये देखिए, और बना के दिखा रही हूँ। इसका डो थोड़ी सख्त होती है, इसलिए इसको थोड़ा इस तरह से इसको दबा दबा करके बनानी पड़ती है। इस तरह से ये देखिए इसी तरह से मैं सारे बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसको बना ली हूँ। अब मैं गोल शेप में बना के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, गोल साइड से मैं इस तरह से इसमें घी लगा ले रही हूँ और इस तरह से गोल बना करके ये देखिए, इसी तरह से मैं बाकी के आटे को गोल वाले बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, दोनों शेप में मैं बना ली हूँ। आप जिस तरह से शेप देना चाहें उस तरह से शेप देके बना सकते हैं। तो अब मैं छान के दिखा रही हूँ। ये देखिए, कढ़ाई में मैं रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रखती हूँ। गर्म हो गई है। अब मैं इसमें ठेकुआ को डाल दे रही हूँ। इसे मैं डाल के देख रही हूँ कि रिफाइंड ऑयल कितना गर्म हुआ है। ये देखिए, हमारी रिफाइंड ऑयल जितना गर्म चाहिए थी मुझे उतना गर्म हो गई है। अब मैं इसमें ठेकुआ को डाल दे रही हूँ। इसे धीमी आंच पर ही फ्राई करनी है।
नहीं तो अंदर में कच्चा ही रह जाएगी। ऐसे धीरे धीरे पलट रही हूँ। इस तरह से मैं दोनों साइड से इसे पलट पलट के इसको अच्छी तरह से लाल कर लूंगी। ये देखिए हमारी ठेकुआ धीरे धीरे कितनी अच्छी तरह से लाल हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ठेकुआ कितनी अच्छी तरह से लाल हो गई है। अब मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ। इस तरह से मैं ठेकुआ को निकाल लूंगी। ये इसी तरह से मैं सारे ठेकुआ छान के दिखा रही हूँ। इसी तरह से सभी को छानने में अब मैं इसे भी निकाल ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों डिजाइन की ठेकुए बनके रेडी हो गई है। अगर आप लोगों को हमारी ये ठेकुए की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। एक मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट और मुलायम हमारी ये ठेकुआ बनी है। ये देखिए। थैंक यू।